वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज द क्लास 12th ऑफ फिजिक्स एंड सेकेंड चैप्टर की जो थ्योरी नोट्स है यू नो दे आर ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड टुडे वी विल स्टार्ट एग्जांपल्स। तो ये मैंने एग्जांपल नंबर 81, ये जो कुछ एग्जांपल जो स्टूडेंट्स वो सबसे पहले अपन वो करेंगे जो पिछले बोर्ड के एग्जाम्स में के सालों में आए हुए हैं। जैसे कि ये जो एग्जाम्पल है जो मैंने बोर्ड पर लिखा है इट इज ये ना ऑलरेडी आ चुका है इसमें 2011, ये 2011 में ये एग्जांपल आया हुआ है। तो इसके बारे में स्टूडेंट्स अपने को थोड़ी स्टडी करेंगे और दो लगभग शायद अकॉर्डिंग टू माय आइडिया वी हैव ओनली 4 to 5 एग्जांपल्स विच आर ऑलरेडी हैव कम इन प्रीवियस एग्जामिनेशन फ्रॉम दिस चैप्टर। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में अपने को स्टडी करनी है। तो इसकी जो स्टडी अपन इस तरीके से करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फिगर शोज टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स C1 एंड C2। ये जो फिगर है स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। वी हैव टू कैपेसिटर्स ऑफ सेम कैपेसिटेंस, दिस इज ऑल्सो 1 microfarad एंड दिस कैपेसिटर इज ऑल्सो ऑफ 1 microfarad एंड दिस इज द स्विच S एंड वी हैव ऑल्सो ए बैटरी ऑफ 6 volt। इट्स ऑलरेडी गिवन दैट ईच ऑफ 1 microfarad कैपेसिटेंस कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 6 volt, दैट मीन्स दीज टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये जो दोनों कैपेसिटर हैं स्टूडेंट्स दीज आर कनेक्टेड पैरेलल विद द बैटरी ऑफ 6 volt, यानी कि 6 volt की जो बैटरी है उसके साथ में ये स्टूडेंट्स पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये पैरेलल में कनेक्टेड है इसका मतलब तो ये हुआ कि इस पे अभी इनिशियली इस पे भी 6 volt होगा और इस पे भी कितना वोल्ट होगा, 6 volt होगा इफ दीज आर पैरेलल। इनिशियली स्विच S इज क्लोज्ड, यानी स्टार्टिंग स्विच S क्या है आपका क्लोज है, ठीक है। सम आफ्टर सम टाइम S इज ओपन एंड डायलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K = 3 आर इंसर्टेड टू फिल कंप्लीटली द स्पेस ऑफ 2 capacitors, यानी कि इन दोनों कैपेसिटर्स के अंदर अपन है ना डायलेक्ट्रिक फिल करेंगे, कंप्लीटली फिल डायलेक्ट्रिक जो है वो अपन है ना इनके जो प्लेटों के बीच का जो स्पेस है उसको अपन कंप्लीटली फिल करेंगे विद द डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ K = 3। हाउ विल द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज अफेक्टेड आफ्टर इंसर्टिंग, ये करने के बाद में आपका चार्ज कितना हो जाएगा, पोटेंशियल कितना होगा, ये सारी चीजें अपने को स्टूडेंट्स स्टडी करनी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इनिशियली। इनिशियली स्विच S इज क्लोज्ड एंड आफ्टर सम टाइम S इज ओपन एंड डायलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड, यानी कि स्टार्टिंग में S को अपने को क्या करना है, क्लोज करना है। जब ना स्विच S क्लोज हो जाएगा उसमें उस टाइम आपको डायलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं करना है, पहले आपको क्या करना है स्विच S क्लोज करना है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में स्विच S को ओपन करना है और फिर डायलेक्ट्रिक दोनों में डायलेक्ट्रिक फिल करना है। तो 2 कंडीशन हो गई, एक तो स्विच को क्लोज करने वाली और एक स्विच को ओपन करने वाली, और इन दोनों कंडीशन में अपन है ना जो पोटेंशियल डिफरेंस और जो चार्ज है इन दोनों की स्टूडेंट्स अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इनिशियली, स्विच S इज क्लोज, यानी कि इस स्विच को ना अपन क्लोज कर देते हैं। देखो ऐसे स्विच S क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब देखो यहां पे 6 वोल्ट है तो यहां पे भी कितना आएगा, 6 वोल्ट आएगा, और यहां पे भी कितना आएगा, 6 वोल्ट आएगा। तो V0 कितना आ गया आपके पास, 6 वोल्ट आ गया। अच्छा इस पे चार्ज निकाल दो, चार्ज ऑन C1 यानी Q1 नाम दे देते हैं अपन इसको, यही देख लो Q1 मैं इस पे चार्ज निकाल रहा हूं। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, CV। तो C कितना है, 1 microfarad एंड V कितना है, 6। तो स्टूडेंट्स Q1 की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 6 micro, देखो 1 microfarad है, 1 microfarad है, यहाँ पे माइक्रो आएगा है ना, 1 micro, तो ये हो जाएगा 6 micro कूलम। अच्छा
इसकी बात करते हैं अपन C2 की, तो वही फॉर्मूला अपन लगाएंगे, Q2 Q2 इज इक्वल टू CV, C की वैल्यू क्या 1 माइक्रोफेरा इनटू वोल्टेज कितना है 6, तो ये कितना आ जाएगा 6 माइक्रो कूलम। तो इनिशियली जो चार्ज है वो अपना आपका कितना है 6 माइक्रो कूलम है, इनिशियली चार्ज आपका 6 माइक्रो कूलम है, और इनिशियली जो वोल्टेज है वो भी आपका कितना है 6 वोल्ट। अब अपन क्या करेंगे, डायलैक्ट्रिक स्लेब है ना वो दोनों में अपन इंसर्ट करेंगे, डायलैक्ट्रिक स्लेब इंसर्ट करेंगे और स्विच एस को क्या कर देंगे ओपन, फिर अपन चेक करेंगे कि क्या सिस्टम रहता है। सेकेंड कंडीशन K3 आप करोगे इंसर्ट और S इज ओपन, चलो यहां से मैं ओपन कर देता हूं, और इसमें मैंने ना डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट जो है डायलैक्ट्रिक मटेरियल है ऑफ डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल 3 इज इंसर्टेड को, और ध्यान में रखना कंप्लीटली आपको क्या करना है इंसर्ट करना है। अब इस कंडीशन में सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि पोटेंशियल क्या होगा। देखो आपने इस एस को यहां से ओपन कर दिया, इसका मतलब हो गया कि ये जो 6 वोल्ट की बैटरी है ना वो अब इसके साथ कनेक्ट नहीं है, इसके साथ क्या होगी डिस्कनेक्ट होगी। लेकिन आप देख सकते हो ये एक क्लोज सर्किट है, यानी आपकी जो 6 वोल्ट की जो बैटरी है उस वो अब किस पर वर्क कर रही है, ओनली वर्किंग ऑन C1, यानी C1 जो है वो ही आपका 6 वोल्ट की बैटरी से क्या है अब कनेक्टेड है, बाकी का कुछ भी कनेक्ट नहीं है। तो चलो मैं इसकी बात करता हूँ, सबसे पहले एक बात बताऊ, मैंने इसमें ना इस एस को ओपन कर दिया और डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ये अपन ने इसमें क्या कर दिया फिल कर दिया। आपको पता है डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट डालते यानी कि डायलैक्ट्रिक मटेरियल फिल करते ही इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, कैपेसिटेंस विल बी चेंज। तो चलो मैं C1 जो आएगा C1 नाम देता हूँ, न्यू कैपेसिटेंस वो होगा K C1। आपको मैंने ये फॉर्मूले के बारे में आपको स्टार्टिंग से बताया हुआ है कि जब भी आप ना कंप्लीटली फिल करते हैं तो किसी भी डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के से तो जो न्यू कैपेसिटेंस है ना वो पहले वाले कैपेसिटेंस को के से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, ये आप अपना प्रूफ भी किया हुआ है। देखो ये इस तरीके से शायद आपको याद आ रहा होगा C = KC0, स्टार्टिंग में कैपेसिटेंस सी नोड है, अब आपने ना डायलैक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया के का, तो अब जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो गया KC0 हो गया। मैंने यहाँ पे सी की जगह C1 नाम दे दिया, सी नोड की जगह पहले वाला कैपेसिटेंस क्या आपका C1 है, इसलिए मैंने इसको लिया। तो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके C1 निकालते हैं अपन, के कितना है आपका, के की वैल्यू है आपकी 3, द वैल्यू ऑफ के इज 3, तो के की वैल्यू रखते हैं ये 3, और ये कितना 1 माइक्रोफेराड है, C1 की वैल्यू कितनी है 1 माइक्रोफेराड, तो अभी जो न्यू कैपेसिटेंस है वो कितना हो गया 3 माइक्रोफेराड, आपका पास नया कैपेसिटेंस क्या आ गया 3 माइक्रोफेराड आ गया, ठीक है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बैटरी इस पर लगी हुई है कनेक्ट है, तो ये बैटरी कितना वोल्ट दे रही है 6 वोल्ट दे रही है, ये बैटरी इसके साथ कनेक्टेड है तो इस पे वोल्टेज कितना होगा 6 ही होगा, तो जो वोल्टेज है वो कितना आपका 6 वोल्ट, वोल्टेज कितना अभी 6 वोल्ट होगा, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, यहां देख लो इस पे जो वोल्टेज है वो कितना होगा 6 वोल्ट होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें वोल्टेज का पता चल गया, कैपेसिटेंस का पता चल गया। आप इसमें चार्ज बता सकते हो कितना हो सकता है, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है Q into CV, इसको मैंने नाम दे दिया Q1 C into V, Q = CV होता है ना, तो C कितना आपका C1 और V C1 की वैल्यू बताओ कितनी 3 माइक्रोफेराड, और V यानी कि पोटेंशियल कितना है, अभी पोटेंशियल इस पे 6 है, तो ये कितना आ गया 18 माइक्रो कूलम, इतना चार्ज आ गया इसपे। अब देखो इनिशियली में चार्ज कितना था इन दोनों पर, सेम चार्ज था, पहले वाले में 6 माइक्रो कूलम और इसमें भी 6 माइक्रो कूलम। अब आपने ना इस स्विच को ओपन कर रखा है और इसमें K = 3 आपने डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट आपने क्या कर दिया इंसर्ट कर दिया, तो
तो आपका चार्ज क्या हो गया, चेंज हो गया, और चार्ज चेंज हो गया कितना हो गया, 18 माइक्रो कूलम आ गया चार्ज। तो ये मैं बात कर रहा था केवल C1 के बारे में, जबकि S अपना है ना, S जो स्विच है वो क्या आपका ओपन है। चलो थोड़ा सा अपन ऊपर देखते हैं इसको, स्टूडेंट मैं बात करता हूँ सी टू के बारे में कि इस पे पोटेंशियल कितना होगा और इस पे चार्ज कितना होगा। तो देखो पहले आपका स्विच एस क्लोज था तब चार्ज कितना था, 6 माइक्रो कूलम। अब आपने बैटरी हटा दी तो इस पे जो चार्ज है ना वो ना तो आपका कम होगा ना ही चार्ज ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि देखो चार्ज लेने और देने का काम कौन करता है, आपको मैंने बताया था कि कौन चार्ज दे सकता है कौन चार्ज ले सकता है। तो अपन बात करते हैं बैटरी के बारे में कि बैटरी एक ऐसा है अपने पास सोर्स जो चार्ज को ले भी सकती है और चार्ज वापस दे भी सकती है, या फिर वो दूसरा कैपेसिटर लगा हो उसके साथ में डिस्चार्ज हुआ हुआ उसको आपने कनेक्ट कर दिया तो इससे चार्ज कम या ज्यादा हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे चार्ज का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चार्ज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? देखो आपने इसको ओपन कर दिया तो यहां से निकल कर चार्ज जाएगा कहाँ, कोई जगह है क्या चार्ज की? कोई जगह नहीं। तो चार्ज अब कितना है, चार्ज ऑन सी टू कितना रहेगा, 6 माइक्रो कूलम। यानी सी टू पे जो चार्ज है वो कितना है, 6 माइक्रो कूलम। अच्छा अब आपने इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल किया था तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल करने पे इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, सॉरी सी टू डैश के इंटू सी टू 3 × 1 माइक्रो फेराड, इट इज 3 माइक्रो कूलम। तो चार्ज ये फेराड ही आएगा। अपन बात करें कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस, देखो ये दोनों सेम ही तो है, C1 C2 1 माइक्रो फेराड 1 माइक्रो फेराड, और आपने जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल किया है वो दोनों में एक साथ ही फिल किया है, और वो भी दोनों में सेम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल किया आपने, K = 3। तो दोनों का जो न्यू कैपेसिटेंस है आप देख सकते हो, इसका भी कैपेसिटेंस क्या आया था अपने पास, 3 माइक्रो फेराड, और इसका भी कैपेसिटेंस क्या आ गया अपने पास, 3 माइक्रो फेराड। तो अब आपके पास देखो चार्ज है, ठीक है, चार्ज होने के बाद में आपके पास कैपेसिटेंस भी आ गया। तो आपको पता है Q = क्या होता है, फॉर्मूले में Q = होता है CV। तो V = क्या होता है, Q/C। चार्ज बताओ कितना है, 6 माइक्रो कूलम, और कैपेसिटेंस कितना है, 3 माइक्रो फैराड। ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, 6 से 3 माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, 6 से 3 डिवाइड करोगे ये कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट। इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अब जब बैटरी अपने डिस्कनेक्ट कर रखी है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया स्टूडेंट्स, 2 वोल्ट आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, इसको V' नाम दे दो, न्यू पोटेंशियल डिफरेंस, एंड इट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको क्या करना है, फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 82, ये आपका 2016 में ऑलरेडी आर्क है, 2016। ओके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी अपने पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस अपने को देगा 20 माइक्रो फेराड एंड इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। यानी 100 वोल्ट की सप्लाई से अपने उसको कनेक्ट किया, आफ्टर सम टाइम बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड डायलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ K = 5 इज कम्प्लीटली फिल्ड, कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर द डायलेक्ट्रिक हैज बीन द पुट बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो ये अपने पास स्टूडेंट्स वी हैव ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इनिशियली जो कैपेसिटेंस है वो कितना अपना C0, इट इज गिवन 20 माइक्रो फेराड, एंड
जो बैटरी सप्लाई है वो कितनी आपकी 100 वोल्ट है, तो आप है ना इनिशियली आप चार्ज निकाल सकते हो। चार्ज कितना आ जाएगा, क्यू नोट, क्यू इजल टू सी नोट वी नोट, तो 20 × 10⁻⁶ × 100 वोल्ट, ये हो जाएगा आपका 20 × 10⁻⁴ कूलम। यानी इनिशियली आपका जो चार्ज है, चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, इट इज इक्वल टू (20 × 10⁻⁴). ठीक है स्टूडेंट्स, अब कैपेसिटेंस आफ्टर द डायरेक्ट्रिक हैज बीन पुट, अब अपन क्या करेंगे कि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे। ये तो मैंने क्वेश्चन किया यहां तक। After some time, battery is disconnected. Battery को disconnect करेंगे और अपन है ना एक dielectric material है ना K = 5, वो अपन क्या करेंगे insert कर देंगे, put कर देंगे। जैसे आपने ना ये जो dielectric material है वो आप capacitor की प्लेटों के बीच में जब आप put करोगे तो जो capacitance है, new capacitance, वो क्या हो जाएगा, C = KC0। ओके, न्यू कैपेसिटेंस इट विल बी C = K। K की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 5, और स्टार्टिंग में कितना दे रखा है 20, तो 5 × 10 यानी 100 microfarad। अब अपने पास न्यू कैपेसिटेंस आ गया और बैटरी को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, तो चार्ज कितना रहेगा, यही रहेगा 20 × 10⁻⁴। चार्ज आपका Q = Q0 ही रहेगा, चार्ज यानी चार्ज आपका चेंज नहीं होगा, 20 × 10⁻⁴ कूलम। अब आपको निकालना है बिफोर, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर द डायलेक्ट्रिक, यानी डायलेक्ट्रिक डालने से पहले एनर्जी स्टोर कितनी है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ½CV2। तो इनिशियली में सी नोट वी नोट है, तो सी नोट वी नोट का स्क्वायर, सी नोट की वैल्यू आ गई आपके पास 20 × 10⁻⁶, वी नोट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 100। स्टूडेंट इसको सॉल्व करके आप इनिशियली आप फाइंड कर सकते हो, और आफ्टर डूइंग दिस वी विल स्टडी अबाउट नेक्स्ट। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स है वो आपको दे रखा है फाइनल, यानी कि आफ्टर द डायलेक्ट्रिक हैज बीन द पुट, जब डायलेक्ट्रिक पुट कर दोगे तो उस टाइम आपका जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कितनी होगी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या अपने पास, ½CV2 है, वो यही होता है एनर्जी का फॉर्मूला। सी तो देखो, जैसे आपने ना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पुट किया तो सी आपका चेंज होके कितना हो गया 100 microfarad, सी तो आ गया, लेकिन मेरे पास है ना तो बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी आपने पहले कितने वोल्ट की लगाई थी 100 वोल्ट की, तो पहले का तो अपने को पता है कि चार जो वोल्टेज है वो कितना आपका 100 वोल्ट है, सॉरी ये V2 है ना, तो पहले तो वोल्टेज कितना आपका 100 वोल्ट है, लेकिन बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, अब पोटेंशियल डिफरेंस अपने को पता नहीं है भाई कितना है, तो या तो आप ये फॉर्मूला लगा लो ½CV2, जिसमें सी तो आपके पास है, देखो ये रहा आपका सी, और V नहीं है आपके पास, तो V कैसे निकालेंगे, देखो क्या होता है फॉर्मूला, Q = क्या होता है CV। ठीक है, मैं कब की बात कर रहा हूं, जब आफ्टर डायलेक्ट्रिक हैज बीन पुट और बैटरी डिस्कनेक्ट है, बैटरी इज डिस्कनेक्ट, तो चार्ज आपका कितना ये C आपका ये रहा, तो आप V निकाल सकते हो, Q = 20 × 10⁻⁴, C कितना आपका 100 × 10⁻⁶। इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करते हैं आपके पास V की वैल्यू आ जाएगी, तो C और V की वैल्यू रख के आप फाइंड कर सकते हो। दूसरा तरीका स्टूडेंट्स ये हो सकता है कि अपने पास है ना स्टोर्ड एनर्जी का एक फॉर्मूला और है, Q² 1/2 Q² / C, उसमें आपको ना ये V निकालना नहीं पड़ेगा, Q कितना है 20 वाला ये लिख दो, C कितना है ये आ गया 100, ये लिख के इसको सॉल्व करते हैं, तो एक जो चॉइस दोनों में से कौन सा फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको ना ये एग्जांपल नंबर जो है 82 ये आपको करना है।
नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 83।